बुला ली है, हमने चल लो जाने के नाम से। मेरे भाई गरीबों का घर है, अमीर का घर है, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे सचिन मनीषा हमारे घर आ गए हैं, तो मम्मी रात को देख सकते हैं कि खाते दाटे के लिए रोटी भी बना रही हैं। तो काफी रात को टाइम हो गया, 11 बज रहे हैं इस समय, तो मम्मी यहाँ पे रोटी बना रही है क्योंकि सचिन भाई आ गए। तो बड़ा अच्छा लगा, और पहली बार हमारे घर पे आए, अब क्या बताएं, इतना सुकून हो रहा है ना, बता नहीं सकते कितना खुश हूँ मैं। चलो आ गए हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कैसे कैसे इंटरव्यू है, क्या हुई, बाकी नाश्ता पानी हम लोगों ने करा दिया है, वो मैंने शूट नहीं किया, सचिन भाई ने शूट किया है, तो आप लोगों को सचिन भाई के चैनल देखने को मिलेगा। तो मम्मी यहाँ पे पूरा एकदम लपट गई है कि हाँ बेटा आया हुआ है, उसकी भी खातिरदारी होनी चाहिए। तो मम्मी यहाँ लपट गई, खाना बना रही है और मम्मी से कुछ बातें करते हैं। कैसा लग रहा है सचिन, मनीषा घर आ गए हैं? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बस यहाँ पे देख सकते हो गर्मा गर्म सचिन भाई को खाना पसंद है, तो मम्मी गर्मा गर्म ही बना रही है क्योंकि गर्मा गर्म सचिन भाई खाते भी हैं। वो ठंडा खाते हैं, नहीं ऐसे तो भी नहीं खाते, क्योंकि मम्मी दिल्ली में थे तो सचिन भाई की आदत को पता है कि सचिन भाई वहाँ कई बार आ चुके थे, तो मम्मी को सब पता है कि सचिन भाई कैसे खाना खाते क्या खाते। बाकी आप लोग बने चैनल पर दिखाते हैं, बाकी जो लोग चैनल पर नए बने अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारा प्यार आशीर्वाद दिला दीजिएगा, मिलते हैं आपसे, दिखाते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे गाइस किट्टू बंदा का फोन आ गया, तो हम शादी बतिया रहे हैं, सचिन भाई तुम बैठे हुए क्या छोटू? बहुत मस्त वीडियो था, हमारे सूट कौन किए इतने अच्छे से। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मनीषा दी और किट्टू और बन्ना दीदी आपस में बात करते हैं वीडियो कॉल पे, ये सरप्राइज हो जाता है यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि पहली बार हमारे घर आते हैं तो आपस में लोग बात करती हैं। और देखिए आप लोग, हाँ तो गाइस मम्मी बहुत खुश है कि सचिन भैया मनीषा दी यहाँ पे आ गई पहली बार हमारे घर पे। हाँ। कैसा लग रहा है मनीषा दी? हमारे तो खुशी का ठिकाना नहीं है कि हम सोचे भी नहीं थे कि बस हम सोचे प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या पता कि अचानक से दर्शन भी हो जाएगा। बोले चलो, नहीं तो बाद में बोलते कि खाली उधर जाते हैं, हमारे घर नहीं आते, रास्ते में है तो क्यों नहीं। हाँ बनारस से बहुत पास में है हमारा घर, 35 किलोमीटर दूर पे। चलो गाइज बाकी सब लोग सोते हैं, बाकी सुबह मिलते हैं आप लोग से हम। सो गाइज रात को घड़ी बज गए हैं 12, तो सचिन और मनीषा जी को मैंने बोल दिया आराम करिए क्योंकि इतने लंबा सफर करके आए हैं, थक भी गए थे, बनारस भी घूमे थे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी करके आए थे। तो मम्मी ने खाना पीना और खातिरदारी अच्छे से कर दिया था, तो मैंने बोला आराम करो, यहाँ पे रसीद और छोटू कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है भैया के घर पे। छोटू छोटू कुछ नहीं बोल रहा है, छोटू का गुस्सा का नहीं तो ये है यूपी वाला घर भैया, देख लो ये सिवान वाला नहीं है, अम्बाला वाला नहीं है, ये हमारा घर है, ठीक है। चलो हमारे घर आए, बड़ा अच्छा लगा तुम आ गए यार, वहाँ पे तो हमारी बहुत खातिरदारी किए थे, काफ़ी अच्छा लगा सिवान में जब हम प्रिंस भाई के रिसेप्शन पहुँचे, छोटू हमारा बहुत ध्यान रख रहा था दोस्तों, क्या बताएं। और छोटू को तो भाई हमारे घर आए तो ध्यान तो देना बनता है ना, छोटू को मैं अपने बगल में सुलाया हूँ, रसीद को अपने बगल में जहाँ मैं सो रहा हूँ। तो गाइस बाकी कुछ नहीं है, यही सब है, अब वो लोग आराम कर रहे हैं, बाकी सुबह क्या होता है वो आप लोग से शेयर करेंगे, तो दिल थाम के बैठे रहेगा, अभी आप लोग ब्लॉग ही देख रहे हो क्योंकि रात का शूट है, बाकी सुबह क्या होता है वो शेयर करेंगे। चलिए अभी लोग भी सो जाइए, सुबह आप लोग ब्लॉग देख रहे हो तो उठ गए होगे आप लोग, चलो उठ गए हो तो ब्लॉग देख लो पूरा पूरा, इसकी बिल्कुल मत करना, मिलते हैं आप लोग से कुछ देर में, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। द नेक्स्ट डे रात को गाड़ी मैंने पार्किंग सचिन भाई का यहाँ भी करवा दिया था, और देख सकते हो पूरी रात बाहर खड़ी रही गाड़ी इनकी, अभी वो लोग आराम कर रहे हैं, ट्रंक कमरा के मिलते हैं आप लोग से। गुड मॉर्निंग फैमिली, सुबह का टाइम हो गया है और हम छत पे आ गए हैं सुबह सुबह धूप लेने के लिए, और सुबह सुबह गया मार्केट से चूरा लेके आया और मटर लेके आया क्योंकि रात का समय काफ़ी हो गया था। तो आप लोगों को जैसे पता है सचिन भैया और मनीषा जी यहाँ पे आई हुई हैं, तो अभी लोग आराम कर रहे हैं, हम कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना लंबा रास्ता है, सफ़र है, इतना थके हुए खुद ही थे, तो हमने कहा आराम करते रहिए, इस समय घड़ी में बजे सुबह के 7। तो यहाँ पे कार्तिक स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है, और ये भी स्कूल जाएगा, भाभी जी छत पर इसको मंजन वगैरह ब्रश वगैरह करा रही है, फटाफट रेडी कराती है इसको, स्कूल भेजती है, बाकी सचिन मनीषा उठते हैं फिर आप लोग से मुलाकात थोड़ा सा कराते हैं इस वीडियो में,
और बड़ा अच्छा लगा, जैसे मैं रात को ही बता दिया था। और क्या बोलूँ, कुछ बोलने का तो वही नहीं हो रहा है कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है कि हमारे घर पहली बार आए हैं और खाती तारीफ भी अच्छे से नहीं कर पाया, रात का समय हो गया था। क्योंकि पहले से पता था, लेकिन कंफर्म नहीं था कि वो आ रहे हैं, तो हमने सोचा चलो हो सकता है प्रैंक भी कर सकते हैं, लेकिन अचानक से सरप्राइज़ दे दिया उन्होंने आके, तो हम खातिरदारी ना अच्छे नहीं कर पाए। और रात का समय भी हो चुका था, तो मार्केट बंद पूरी हो चुकी थी। जो हमारे पास था मैंने उससे स्वागत किया, वेलकम किया, खिलाया पिलाया, फिर आराम करा के सुला दिया। अभी सो के उठते हैं, फिर मुलाकात करा। और यहाँ पे शशि मिर्जा सो के उठ गए हैं, तो भाभी पूछ रही हैं, अपना हाल चाल ले रही हैं, गुड मॉर्निंग वगैरह बोल रही हैं। और इसके बाद भाभी को हम लेकर चलते हैं किचन सेक्शन में। तो गाइस गुड मॉर्निंग, तो इधर भाभी सुबह सुबह किचन में बना रही हैं, क्या बना रही है? पोहा। ये रहा मटर, और ये पोहा के लिए तैयार कर रही हैं, क्योंकि नाश्ता पानी भी कराना है सचिन भाई को, मनीषा दीदी को, तो बना रही सुबह सुबह नाश्ता मिलजुल के बना लेते हैं पोहा। और क्या बना रही है? और चाय है। और क्या है? अच्छा चलो भाई, चाय नाश्ता टोस्ट वगैरह लग चुका है, और फोन से कहीं बिजी बातें कर रहे हैं, देखते हैं। इधर मम्मी और भाभी मिल के पोहा बना दिए हैं, रेडी कर दिए हैं, देख सकते हो प्लेट निकाल दिए हैं। तो नाश्ता पानी करा देते हैं, फिर हम मिलते हैं। अरे अभी क्या क्या बन रहा है? खाना पीना खा के जाना है, बस हो गया हम लोग खाना। अरे नहीं, खाना बनवा रहे हैं, खाना ना खा के तब जाइएगा, अब तो लेट हो ही गया है, आधा घंटे खाना बन जाएगा। मूवी देखेंगे ना वहाँ जाकर? अरे क्या मूवी, मूवी रास्ते में देखी यार। सर तो सुने है कि नहीं? हाँ सर सुने हैं। क्या कहें? 12 घंटे का पहले तुम ना पहुंच पाओगे। वो वाला प्लेट दे दे, स्टील वाला दे दो ना, स्टील वाला दे दे, रुके चेंज कर दे, हो जाएगा हो जाएगा। छोटू खा लो, छोटू खा लो, शर्मा रहे हो तुम लगता है, बैठ जाओ मम्मी खा लो, अभी खा, जल्दी खाना है। भाई दिल्ली से फरमाइश आई थी बन्ना दीदी का, तो देख सकते हो यहाँ पर राजेश मसाला यादव नमकीन महाकाली, सचिन भैया जा रहे हैं तो लेके चले जाएंगे, आधा रास्ता में गायब हो जाएगा। मसाला तो गायब नहीं होगा, नमकीन जरूर गायब हो जाएगा। दीपक भाई सिक्योरिटी में एक पैकेट नमकीन मनीषा के लिए लाकर दे दिए हैं, किलो भाई तुम नहीं, काफी अच्छा होता है, खाएंगे तो अच्छा लगेगा, टेस्ट काफी उसका अच्छा है यादव नमकीन का। भाई दिल्ली से फरमाइश आई थी बन्ना दीदी का, तो देख सकते हो यहाँ पर राजेश मसाला यादव नमकीन महाकाली, सचिन भैया जा रहे हैं तो लेके चले जाएंगे, आधा रास्ता में गायब हो जाएगा। मसाला तो गायब नहीं होगा, नमकीन जरूर गायब हो जाएगा। दीपक भाई सिक्योरिटी में एक पैकेट नमकीन मनीषा के लिए लाकर दे दिए हैं, किलो भाई तुम नहीं, काफी अच्छा होता है, खाएंगे तो अच्छा लगेगा, टेस्ट काफी उसका अच्छा है यादव नमकीन का। ये सब नहीं दिया गया, दिख रहा है। आंखें अच्छा हुआ तुम अब आंखें बंद करके नहीं, चलिए ठीक है, आए और चले भी गए। बताइए, हम सोचे 2-3 ब्लॉग शूट करेंगे, लेकिन एक ही ब्लॉग में लगता है हमारा आना और जाना दोनों हो जाएगा। हम तो सोचे 2-3 ब्लॉग शूट करेंगे भाई, छठुआ तो बहुत जल्दी है, स्वेटर नहीं पहन रहा, चल नीचे गाड़ी में चल, चलो गाइस तो विदाई हो रहा है, सचिन भाई आए और चले भी जा रहे हैं। भाभी लोगों को वेलकम करने के लिए खड़ी थी, अभी धीरे धीरे तो खड़ी सी रही है, हाँ आशीर्वाद ले रही है। चलो रसीद, चलो चलो इसको पकड़ो, झोला दिए, झोला जैसे लिए ना, नमकीन वाला ये क्या वहाँ है, आ जाइए आ जाइए, ये जाता है जात, हाँ इसे पीसा जाता है। चलो रसीद, सामानवा छूट गया था क्या जी? ओ भाई ये क्या हो रहा है भाई, चक्की पिसिंग, पिसिंग पहले तो हम लोग बजड़ी का आटा पीसते थे, यहीं पे बैठ जा, यहीं पे बैठ के पीस, चलो गाइस तो निकल रहे हैं। अरे आइए आइए, मंडिया बचा के जी, पेट्रोल मत पीजा, चलो आ जाओ,
अंबर सिंह गाड़ी में डाल लेते हैं ना, छोटी सी पकड़ लो। चाबी आप ही लाए ना, चाबी तो आप ही लिए थे, गाड़ी पैक किए थे, नहीं बैग आपके थे ना, एकदम इससे ही खड़ी जो रिक्स ले ले। मम्मी मेरे साथ ही साथ में हो जाएगा, रिक्स ले लेते हैं, हाथवा फिरती रहना ऊपर। चलो सचिन भाई जा रहे इधर, ये पूरा मार्केट है। कहाँ पे रखे हो अंदर? अच्छा लिए है ना। बाय कर दो सोना, बाय कर दो। चलो गाइस जा रहे हैं फाइनली, अब यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली जाना है। चलो बाय बाय। क्या चीज? 10:12 हो गए। 10:12, हाँ चलिए ठीक, देखते हैं। बाय छोटू। तो गाइस जा रहे हैं ये मिस्टर मिस्टर राज। तो गाइस चलो बाय कर दे मम्मी ने। तो गाइस देखा आपने, सचिन निशा का विदाई हमारे घर से हो गया और आए और चले भी गए। तो सोचे थे खाना पीना खा के जाएंगे, लेकिन हम लोग को बहुत दूर जाना है, लंबा सफ़र है। अगर खाना पीना बनाते तो 12-1 बज जाता, लेकिन हम नाश्ता पानी सुबह सुबह हमने करा दिया एकदम भरपूर पेट से, कि अब कोई दिक्कत ना हो, दो चार घंटे 5 घंटे आराम से अपना ड्राइविंग करेंगे, फिर रास्ते में आप लोग को भूख लगे तो कहीं खा भी लेंगे। रुकने कोशिश बहुत किया लेकिन रुके नहीं, क्योंकि लंबा रास्ता भी है और दूर जाना भी है। तो बड़ा अच्छा लगा आने के बाद, उनको घर पे हमारे पहली बार आए, खातिरदारी तो अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ तो आप लोग देखे भी हो, लेकिन उन्हें अच्छे से नहीं कह पाया कि रात काफ़ी हो गई थी, जैसे मैंने पिछले पहले ही बता दिया है। तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा कि मनीषा आई पहली बार, और जाते जाते थोड़ी सी जानते हो ना, मन में सबके इमोशनल हो ही जाते हैं। तो नहीं, सब दोस्त साथ इस ब्लॉग को करते समय आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आज का वीडियो, और जो लोग चैनल नए बने हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग, और जो लोग सचिन भैया के चैनल से आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, आप लोग को नया नया वीडियो देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। तो इन्हीं सब दोस्त साथ अपने बाड़ी को विराम देते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय।